फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की और लड़की को देखते हैं जो घबराए हुए थे। हड़बड़ी में वो हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि वो लड़की माँ बनने वाली थी और उसका बच्चा बस होने वाला था। जल्दबाजी में लड़की का ध्यान गाड़ी से हट जाता है जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी एक पेड़ से आकर टकरा जाती है। ये देखकर वो लड़का उसे गाड़ी से निकाल देता है और अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। इसी जंगल में तभी एक आदमी आ जाता है जो एक कातिल खूनी लग रहा था और वो उस लड़की पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जो देख वो लड़की काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है ताकि वो कातिल उसे बटोर कर मार ना दे। फिर इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनमें वाइफ का नाम अप्रैल था। उसी जंगल में इन लोगों ने एक कैबिन लिया था जहाँ अभी छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। अप्रैल अपने साथ अपनी बहन और उसके हस्बैंड को भी लाई थी। अप्रैल काफी परेशान लग रही थी इसीलिए वो अपने नेल खाने लगती है। जब उसका हस्बैंड उसे ऐसे करते हुए देखता है तो मना करता है, साथ ही तसल्ली भी देता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बहन पिछली सीट पर बैठी सो रही थी और ये लोग उसकी आवाजों का मजाक बनाने लगते हैं। पर तभी अप्रैल का हस्बैंड जोर से गाड़ी हिलाता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। खैर कुछ देर के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां एक जगह पर गिबन्स लिखा हुआ था क्योंकि यहां पहले एक फैमिली रहती थी जिनमें हेड का नाम गिबन्स था तो इसीलिए फैमिली का भी यही नाम था। और अब इस घर को अप्रैल के हस्बैंड ने खरीद लिया था। उसका हस्बैंड गाड़ी से निकल कर ताला खोलता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। वो अपने कैबिन को देख कर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी अलग ही लग रहा था। अप्रैल की बहन का हस्बैंड जिसका नाम टीम था वो उसके हस्बैंड से कहता है कि बेशक ये घर अच्छा है पर काफी पुराना है तो हमें इस पर काफी पैसे लगाने होंगे, काफी काम करवाना होगा। जिस सुनकर अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि मैंने यहाँ की सिर्फ जमीन खरीदी थी, ये घर तो मुझे इस जमीन के साथ ही मिला है और क्योंकि मेरे लिए घर फ्री है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अब टीम कहते हैं कि यहाँ सिग्नल नहीं आ रही तो मैं जरा जंगल में जा रहा हूँ, मुझे जरूरी कॉल करनी है। अप्रैल का हस्बैंड उसे पूछता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, ये किस्म का गिफ्ट है तो क्या तुम्हें पसंद आया। इस पर वो कहती है कि हाँ बहुत पसंद आया, ये मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा तोहफा है। उधर टीम जब सिग्नल ढूंढने गया था तो तभी उसे जंगल में से कुछ आवाजें आने लगती है। वो घबरा गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर जंगल में कोई है। वो घबराते हुए चेक करने जाता ही है कि तभी पीछे से उसकी वाइफ आकर उसे डरा देती है। वो टीम से कहती है कि तुम यहाँ बाहर टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप घर के अंदर चलो। इसके बाद ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये घर काफी पुराना है और यहाँ गिबन्स फैमिली की तस्वीर भी थी जो यहाँ रहा करती थी। उनमें एक कपल था और उनके दो बच्चे थे। तब अप्रैल का हस्बैंड बताता है कि ये फैमिली अब मर चुकी है इसीलिए मैंने ये घर खरीदा है। फिर ये लोग पूरे ही घर को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये काफी बड़ा है। उन्हें वहाँ बच्चों का कमरा भी मिलता है जिसके अंदर जब वो जाते हैं तो वहाँ काफी सारे टूटे हुए डॉल्स थे। उन लोगों को ये सोचकर काफी अजीब लगता है कि ये कैसा बच्चा होगा जो डॉल्स को तोड़ता है। अब तभी जंगल में से कोई अनजान शख्स इन पर नजर रख रहा था। वो खिड़की के पास आकर अप्रैल और उसकी बहन को घूरने लगता है। अप्रैल को वहाँ एक लॉकेट मिलता है जो उसे बेहद पसंद आता है तो वो उसे अपने गले में पहन लेती है। तभी अप्रैल की बहन की नजर बाहर जाती है और उसी वहाँ कोई नजर आता है, पर अगले ही पल वो इंसान वहाँ से गायब हो गया था इसीलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। फिर ये लोग अपनी गाड़ी से सारा सामान निकाल कर घर के अंदर रख देते हैं। अप्रैल की बहन उसे कहती है कि मैं बहुत अरसे के बाद तुमसे मिली और तुमसे बात की, मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आई इसलिए प्लीज मेरी बहन मुझे माफ कर दो। जिस पर अप्रैल कहती है कि तुम चाहे जितना मर्जी दूर रहो मुझसे पर हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता क्योंकि हम एक ही खून है, बहने हैं तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बाहर जब अप्रैल का हस्बैंड और टीम बातें कर रही थी तो वो टीम का शुक्रिया अदा करता है कि तुम अपना टाइम निकाल कर यहाँ मेरे साथ आई हो। जिस पर टीम कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आखिर तुमने ये इतना पुराना घर और जंगल के बीचों बीच क्यों खरीदा। यहाँ रहने की कोई रिसोर्सेज कोई वसाइल है ही नहीं जिससे इंसान यहाँ रहकर आराम से जिंदगी गुजार सके। इस पर वो बताता है कि कुछ वक्त पहले ही हमारे बच्चे की मौत हो गई है, पैदा होने से पहले ही, तो अपने बच्चे को खो देने की वजह से अप्रैल सदमे में चली गई थी। तो उसका मुंह ठीक करने के लिए, जहन बटाने के लिए इस तरह की कोई जगह चाहिए थी यानी जहाँ पर दो तीन लोगों के अलावा कोई ना हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ शहर से दूर जंगल में घर लिया है ताकि वो आराम से यहाँ हंसी खुशी छुट्टियाँ गुजार सके। इस तरह से उसका जहन भी बढ़ जाएगा और वो सदमे से भी बाहर आ जाएगी। तब खुश होते हुए टीम उसे बताता है कि अप्रैल जब यहाँ आई थी तो घर को देखकर वो काफी खुश हो गई थी, तो अब तुम इस बारे में फिक्र ना करो, धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर वो टीम को गले से लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुम कितने अच्छे से मुझे तसल्ली दे रही हो। फिर ये दोनों भी अंदर चले जाते हैं और ये लोग काफी सिगरेट्स और शराब पीते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। काफी देर के बाद टीम और उसकी वाइफ अपने कमरे में जाने लगते हैं सोने के लिए, जबकि अप्रैल और उसके हस्बैंड बाहर थे क्योंकि वो बातें कर रहे थे। यहाँ से भी हम साफ साफ देख पा
पाते हैं कि कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उन पर नजर रख रहा है। फिर वो दोनों जब कमरे में थी तो अप्रैल अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मैं काफी टाइम की बात खुश हुई हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो और बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये घर खरीदने के लिए। ये सुनकर उसके हस्बैंड खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो ठीक हो जाएगी। फिर आधी रात को जब वो सारे गहरी नींद में सो रही थी तो वो अनजान आदमी उनके घर में दाखिल हो जाता है। अप्रैल के कमरे में जाकर उसके गले से लॉकेट को तोड़कर अपने पास रख लेता है। फिर सुबह को अप्रैल को एक सपना आता है जैसे वो माँ बनने वाली है, मगर अचानक वो अपना पेट फाड़कर बच्चा बाहर निकाल लेती है। अब इतना भयानक सपना देखकर वो काफी घबरा गई थी तो फौरन उसकी आंख खुल जाती है। जल्दी से वो किचन में जाकर अपनी दवाइयां खाती है, पर तभी अचानक उसे खिड़की से बाहर एक आदमी दिखता है जिसे देख वो काफी डर जाती है और जोर से चीख मार देती है। तब उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी वहाँ आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है ना। जिस पर वो घबराते हुए बताती है कि मैंने खिड़की के बाहर एक आदमी को देखा है। जिस उनका टीम उसे कहता है अच्छा वो मेरा दोस्त होगा, मैंने उसे घर का काम करने के लिए बुलाया है। फिर जब टीम दरवाजा खोलता है तो वहाँ सच में उसका दोस्त ही था जो अपने साथ एक और आदमी को भी लाया था, क्योंकि ये दोनों ही घर की तोड़फोड़ करके घर को नया बनाने के लिए आए थे। अब टीम उन दोनों के बारे में बताता है, कहता है कि मेरा दोस्त कंस्ट्रक्शन का काम करता है यानी घर वगैरह बनवाता रहता है, तो घर को ये काफी अच्छे से देख लेगा और बिल्कुल नए जैसा बना देगा, और जबकि इसका दोस्त प्लम्बर भी है और कारपेंटर भी जो हमारे लिए घर का सारा फर्नीचर बना देगा। टीम उन दोनों को कहता है कि तुम्हें सबसे पहले छतों को ठीक करना होगा क्योंकि बारिश यहाँ आती रहती है तो कहीं पानी अंदर ना जाए। फिर ये चारों बाहर आ जाते हैं पूरे घर को देखने के लिए ताकि वो फैसला कर सके कि उन्हें काम कहाँ से शुरू करना चाहिए। अंदर जब अप्रैल की बहन देखती है कि वो अकेली बैठी हुई है तो वो उसके पास जाकर बातें करने लगती है। यहाँ वो प्लम्बर भी अप्रैल के हस्बैंड से पूछ लेता है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा, जिस पर वो जवाब देता है क्योंकि ये घर मुझे काफी सस्ते में मिल रहा था तो बिना देर किए मैंने फौरन ये घर खरीद लिया। तो प्लम्बर कहता है क्या तुम इस घर की हिस्ट्री के बारे में जानते हो, यानी तुम लोगों के आने से पहले यहाँ क्या हुआ था। तो अप्रैल का हस्बैंड कहता है कि हाँ मुझे इस घर की हिस्ट्री और यहाँ की एक एक बात के बारे में अच्छे से पता है। हमसे पहले यहाँ गिबन्स फैमिली रहती थी और इस घर को काफी बुरा समझा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कत्ल खून हुए हैं जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि वो किसने किए होंगे। हालांकि पुलिस ने इसकी काफी जांच भी की थी पर उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर एक दिन जब उस फैमिली का हेड यानी गिबन्स चाय पी रहा था कि तभी पीछे से उस पर किसी ने जोरदार हमला कर दिया जिससे उसका सर फट गया और फिर उस इंसान ने गिबन्स के जिस्म के हिस्सों को काट कर उसके मुंह में घुसा दिए जिससे उसकी मौत हो गई। फिर बाद में उसकी वाइफ को भी मार दिया गया। जिस उनका प्लम्बर पूछता है तो क्या इस बारे में पता चला कि उस फैमिली को किसने मारा था, जिस पर अप्रैल के हस्बैंड कहता है कि नहीं इस बारे में भी आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। अब टीम अप्रैल के हस्बैंड से पूछता है कि गिबन्स और उसकी वाइफ के दो बच्चे भी थे ना, क्योंकि उन्हें मैंने अंदर पड़ी तस्वीर में देखा था, तो सिर्फ किसी ने गिबन्स और उसकी वाइफ को ही मारा था, उनके बच्चों का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। जिस पर वो जवाब देता है कि सुनने में आया था कि वो दोनों बच्चे यहाँ से भाग निकले थे, तभी से वो दोनों लापता है, ना जाने वो कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे या अब तक मर गए होंगे। अब ये सुनकर सारे काफी डर जाते हैं, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को बता दिया इस बारे में, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, पर ख्याल रखना ये सारी बातें अप्रैल को पता नहीं चलनी चाहिए वरना वो फिर से टेंशन ले लेगी और दोबारा से सदमे का शिकार हो जाएगी। अंदर एक कमरे में अप्रैल और उसकी बहन को अलमारी में से ढेर सारे कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहनकर काफी खुश हो जाती है, गाने लगाती है और डांस करने लगती है। उधर वो चारों एक तालाब के पास पहुंचते हैं जो उनके घर से काफी नजदीक था। वो सोचते हैं कि ये तालाब तो काफी बड़ा है तो जरूर हम इसमें से मछलियां भी पकड़ सकते हैं। उधर अप्रैल की बहन उससे माफी मांगती है, कहती है कि मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर दो क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे की मौत हुई थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, हालांकि तुम्हें मेरी जरूरत थी, मुझे दरअसल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए तो इसीलिए मैं नहीं आई, जिस बात का पछतावा मुझे आज तक है। अप्रैल उससे कहती है कि तुम्हें तो मैंने कब से माफ कर दिया क्योंकि जो भी है तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। वो उसे ये भी बताती है कि जब मेरा बच्चा होने वाला था तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो बच्चा मेरे लिए ढेर सारी खुशी और उम्मीद बनकर आ रहा था, पर मेरे साथ वो हादसा हो गया जिसके बाद मैं टेंशन में रहने की वजह से सदमे का शिकार हो गई, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने ये घर मेरे लिए खरीदा ताकि मेरा दिल बहल सके। ये सारी बातें बताते हुए वो काफी जज्बाती हो गई थी इसीलिए रोने लगती है। अब दोपहर को भी जब वो सारे खाना खा रही थी तो उस वक्त भी कोई उन पर नजर रख रहा था। इसके बाद टीम और उसका दोस्त बाहर जाते हैं शराब लेने के लिए। यहाँ उसका दोस्त कहता है कि चलो तालाब पर चलते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए क्योंकि आज मेरा बहुत दिल कर रहा है मछली खाने का, जिस पर टीम राजी हो जाता है और ये दोनों मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं। घर में प्लम्बर काम कर रहा था पानी का सिस्टम लगाने के लिए, जिस दौरान वो अप्रैल के हस्बैंड से बातें करने लगता है, उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उधर जब वो दोनों मछलियाँ पकड़ रही थी तो उनकी
हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए टीम का दोस्त उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा जंगल से होकर आता हूँ। वो फिर जैसे जंगल में जाता है तो वहाँ एक काफी लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है जो देखने से कोई खतरनाक कातिल लग रहा था। वो टीम के दोस्त पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और रस्सी के जरिए उल्टा लटका देता है। फिर वो उसका मुंह खतरनाक जालीवर ट्रैप जाल में अड़ा देता है और जैसे उसे दबाता है उसकी काफी बुरी मौत हो जाती है और हम बस उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर टीम काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो फौरन यहाँ चेक करने आता है। फिर वो कातिल उसे भी पकड़ लेता है और एक जंजीर के जरिए पेड़ से बांध देता है। वो जंजीर को फिर टीम के मुंह के पास लाता है, जोर से उसे खींचता है और जंजीर से उसके मुंह के दो टुकड़े कर देता है जिससे वही उसकी भी मौत हो जाती है। फिर शाम को अप्रैल के हस्बैंड और प्लम्बर तालाब के पास जाती है चेक करने के लिए कि आखिर वो लोग कहाँ है, क्योंकि वो शाम से घर नहीं आए थे। इन्हें यहाँ उन दोनों का सामान तो मिल जाता है पर वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये दोनों अब ये सोचकर काफी घबरा जाते हैं कि आखिर वो गए कहाँ होंगे। हर जगह ये उन्हें तलाश करने लगते हैं पर वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलते। अब ऐसे ही रात हो जाती है। प्लम्बर टीम के फोन पर कॉल करता है, कॉल उसे लग जाती है जिसकी आवाज उन्हें एक शेड से आ रही थी, यानी लकड़ी की एक छोटे से केबिन से। तब ये लोग आवाज का पीछे करते हुए वहाँ जाते हैं। प्लम्बर जब शेड के अंदर जाता है तो समझ गया था कि यहाँ जरूर कोई रहता होगा, क्योंकि केबिन की हालत ही ऐसी थी जैसे यहाँ कोई रहता है। जरूरत का सारा सामान भी वहाँ पड़ा हुआ था। फिर ढूंढने पर उसे वहाँ टीम और उसके दोस्त की लाश भी मिल जाती है जिनकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उन्हें बुरी तरह काट दिया गया था। ये देखकर प्लम्बर की खुद की हालत भी काफी खराब हो जाती है, वो बेहद ही घबरा गया था। इसीलिए सब लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। पर पलक झपकते ही वो कातिल शर्ट से निकलकर इनके सामने आ जाता है, यानी जिसने उन दोनों को मारा था, और अब वो प्लम्बर पर भी हमला कर देता है जिससे वो नीचे गिर गया था। ऐसा करने के बाद वो कातिल अप्रैल के हस्बैंड को पकड़ता है। ये देखकर दोनों भी लड़कियां काफी घबरा जाती है और फौरन ही अपने घर आकर सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है ताकि वो कातिल अंदर न घुस सके। अब तभी उन्हें बच्चों वाले कमरे से लाइट आती हुई दिखती है। वो काफी घबरा गई थी और अगले ही पल कोई दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर आता है जो एक औरत थी, उसका बच्चा होने वाला था। वो औरत काफी भयानक किसी जानवर जैसी लग रही थी। वो अप्रैल की बहन पर हमला करके उसे जान से मार डालती है, उसका गला काट कर खाने लगती है क्योंकि वो कैनिबल थी, यानी आदमखोर, इंसानों का गोश्त खाने वाली। उधर अप्रैल का हस्बैंड कातिल से लड़ने की कोशिश करता है पर कातिल उसकी आंख में बड़ा सा कील घुसा देता है जिससे उसकी आंख फूट जाती है और उसे बहुत दर्द होती है जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। वो औरत अब जैसे अप्रैल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगती है। ये देखकर अप्रैल समझ जाती है कि उसका बच्चा होने वाला था। औरत की करने के लिए वो बिना डरे उसके पास आ जाती है। अब तभी औरत का बच्चा पैदा हो जाता है जो कोई नॉर्मल आम बच्चा नहीं लग रहा था, वो किसी डीमन शैतान जैसा बदसूरत लग रहा था। पर फिर भी अप्रैल उसे अपनी गोद में लेती है और याद करने लगती है कि अगर मेरा बच्चा पैदा होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता और बिल्कुल ऐसी उसे मैं अपनी गोद में लेकर खिलाती। वो औरत अप्रैल से उसका बच्चा मांगती है तो वो उसे दे देती है। फिर वो सोचने लगती है कि काश ये बच्चा मेरा होता। वो काफी अजीब हो गई थी, बच्चे को पाने की लालच में वो उस का गला काट देती है जिससे वो मारी जाती है। तो अप्रैल उसका बच्चा ले लेती है ताकि वो उसे अपने पास रख के पाल पोस के बड़ा कर सके। फिर जब वो कातिल वहाँ पहुँचता है तो अपने बच्चे को अप्रैल के हाथ में देकर काफी हैरान रह जाता है पर वो उसे कुछ नहीं कहता। इतनी ही देर में यहाँ प्लम्बर आकर कातिल के पेट में कुल्हाड़े घुसा देता है जिससे वो बेहोश हो गया था। वो फिर अप्रैल से कहता है कि हमें भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, मगर वो ये कहते हुए इनकार कर देती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लम्बर कहता है कि सिर्फ तुम और मैं ही जिंदा बचे, हमारे अलावा सभी लोगों को इस कातिल ने मार डाला है। जिस पर अप्रैल कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड ही नहीं रहा तो मैं जाकर क्या करूंगी, अब मैं यही रहूंगी और इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। जिस पर प्लम्बर उसे समझाता है कि देखो पागल मत बनो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि इन दोनों का है जो अच्छे लोग नहीं है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये कैनिबल है और ये भी कोई आम इंसानी बच्चा नहीं है बल्कि शैतान है। उसकी ये बातें सुनकर अप्रैल को अच्छा नहीं लगता, वो उसे डांट कर यहाँ से जाने का कहती है कि अब ये बच्चा मेरा है साथ ही घर भी, तो मैं यही रहूंगी, इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तब ये सुनकर प्लम्बर समझ जाता है कि बच्चे की लालच में वो पूरी तरह पागल हो गई है, तो इसीलिए वो अप्रैल को कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने के लिए निकलता है। वो गाड़ी लेकर जब गेट के पास पहुँचता है तो तभी वो कातिल वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और काफी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा था, मतलब ये कातिल और वो औरत कौन थी और सभी को क्यों मार रही थी। दरअसल ये उस घर में रहने वाली पहली फैमिली की बच्ची,
थी, यानी गिबन्स फैमिली के। इन दोनों जुड़वा बहन भाइयों के बीच गलत ताल्लुक बन गई थी, जिससे उसकी बहन का वो हाल हो गया था जो सीन हमने शुरुआत में देखा था। यानी गाड़ी में बैठकर जब एक लड़का और लड़की जा रही थी, लड़की का बच्चा होने वाला था तो वो और कोई नहीं बल्कि गिबन्स के बच्चे थे। और उनकी इस गलत हरकत पर जब उनके माँ बाप ने मुखालफत की तो इन बहन भाइयों ने उन्हें ही मार दिया। पुलिस ने इस केस को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कोई सबूत यहाँ से नहीं मिला था। पुलिस का मानना था कि वो दोनों बहन भाई यहाँ से भाग गए होंगे, पर वो दोनों तो पिछले काफी अरसे से यही छुप कर रह रही थी और आने वाली हर एक इंसान को मारकर खा जाया करती थी, क्योंकि अब वो खतरनाक कैनिबल जो बन गई थी। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।